कि टीवी एक्टर सनम और अबिगैल गिरफ्तार किए जा सकते हैं। सनम अबिगैल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, एनसीबी ने अबिगैल और सनम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ड्रग्स लेने को लेकर दोनों के खिलाफ ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। सनम अबिगैल के घर से रेड में ड्रग्स बरामद किए गए थे। दोनों को आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी यहां पर हो सकती है सनम जौहर और अबिगैल पांडे की। तीसरा दिन लगातार पूछताछ का होगा। कई नामों का खुलासा दोनों की ओर से किया गया है। 20 से ज्यादा ऐसी नाम टीवी इंडस्ट्री के इन्होंने बताए हैं जो ड्रग्स के सिंडिकेट में शामिल हो सकते हैं। पूछताछ इनसे लगातार हो रही है, दो दिनों से छापेमारी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखें, जब बातचीत करने की कोशिश मीडिया कर्मियों ने यहाँ पर की थी तो किस तरह से बहुत हड़बड़ी जल्दबाजी में नजर आए थे कि हाँ सारे जो जवाब हैं वो एनसीबी के अधिकारियों के सामने ही दिए जाएंगे और देने भी चाहिए और दे रहे हैं, तो उसके बाद ये तमाम खुलासे भी यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, एनसीबी लगातार यहाँ पर एक्शन में है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुआ ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो जांच है, वो अब यहाँ पर ड्रग्स सिंडिकेट तक जा पहुंची है। किस तरह से ड्रग्स पेडलर्स की गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई, 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां बाकायदा एनसीबी की ओर से की गई हैं। एक के बाद एक पूछताछ में जिन नामों का खुलासा हो रहा है, जिनके खिलाफ सबूत हैं, कई आधार हैं एनसीबी के पास, उनको बाकायदा बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक और नए नाम सामने आ रहे हैं।